27 मार्च को मैथ्स का पेपर जो आपके आने वाला है वो पूरा पेपर आपके मिल चुका है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जो पेपर है मैं आपको उत्तर सहित बताने वाला हूं। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10th के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10th गणित का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूँ जो आपके 27 मार्च को आने वाला है। अगर आपने 27 मार्च से पहले इस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लिया और ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 27 मार्च को मैथ्स के पेपर में आप पूरे 80 मार्क्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर है आपके मैथ्स का, और सबसे पहले जो बॉक्स आपको दिया गया है इस बॉक्स में आपको अपने नामांक जो रोल नंबर है वो फिल करने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा 2024 यानी सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 और गणित का ये पेपर है आपके, मैथमेटिक्स का ये पेपर है जो आपके 27 मार्च को होने वाला है। और समय है आपके 3 घंटे 15 मिनट, यानी इस पेपर को सॉल्व करने के लिए जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको दिया है। और पूर्णांक है आपके 80, तो आप भी 80 में से 80 मार्क्स हैं वो 27 मार्च के पेपर में फोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इस वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर है वो उत्तर सहित बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले परीक्षार्थी हैं उनके लिए सामान्य निर्देश आपको दे रखा है, और इस निर्देश में पहला पॉइंट है आपके कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यत लिखें, और दूसरा निर्देश है आपके कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं, और तीसरा निर्देश है आपके कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो आपको दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है, और 4 नंबर निर्देश है आपके कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर है वो आपको एक साथ लिखना है। तो ये 4ों निर्देश आपको जरूर फॉलो करने हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए यानी खंड ए, और खंड ए में आपके बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है कि निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, यानी चूज द करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड राइट इट इन द आंसर शीट। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि संख्याओं 65 और 117 का आपको HCF बताना है, यानी मैं से आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, ए ऑप्शन में 13 दे रखा है, ब में आपके 11, स में आपके 15 और द में आपके 17, यानी 65 और 117 को आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो 2 गुणनखंड आपको करने हैं इसमें, एक तो 65 का करना है और एक आपको करना है 117 का। तो देखिए 165 है, इसमें 5 का भाग जाता है आपके 13 बार, और 13 में 13 का भाग 1 बार, उसके बाद में इसमें 3 का भाग जाएगा आपके कितनी बार जाएगा यहाँ पर 39, और 39 में 3 का भाग जाएगा आपके 13 बार, और 13 में 13 का भाग 1 बार। तो इन दोनों में कॉमन संख्या क्या है आपके, कॉमन संख्या क्या है, उभयनिष्ठ संख्या क्या है आपके 13, तो इसका HCF आएगा आपके 13, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। HCF ऑफ नंबर्स 65 and 117 विल बी, तो इसमें आपके ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपके रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद है उसमें अधिकतम शून्यक होते हैं, यानी जो बहुपद है वो आपके 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्यारे बच्चों आपके रैखिक बहुपद, एक तो होता है आपके रैखिक बहुपद, और एक होता है आपके द्विघात बहुपद। सेकेंड क्या है आपके द्विघात बहुपद, और तीसरा है आपके त्रिघात बहुपद, यानी बहुपद है उसके 3 प्रकार हैं आपके। एक तो होता है आपके रैखिक, एक होता है आपके द्विघात, एक होता है आपके त्रिघात। अब रैखिक बहुपद है तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 होती है, और द्विघात बहुपद है इसमें शून्यकों की संख्या 2 होती है, और त्रिघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3। लेकिन हमें क्वेश्चन में रैखिक बहुपद पूछा है, यानी रैखिक बहुपद है उसमें अधिकतम शून्यक होंगे, तो अधिकतम शून्य क्या होंगे आपके, एक होगा, यानी सही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो द लीनियर पॉलिनोमियल्स विल हैव एट मोस्ट जीरोज, तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन है आपके बटन 1, 3, 2, 5, 9, इसका आपको माध्य बताना है, यानी इसका मीन आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है प्यारे बच्चों? मीन फाइंड करना है। और माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है आपके? अक्ष बार बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण कौन कौन से दे रखे हैं? एक, और इन सभी का हमें क्या करना है? योग करना है, और बट्टे में कुल संख्या है उसका हमें भाग देना है। तो टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 का भाग देना है। अब अक्ष बार बराबर इन सभी को ऐड करेंगे तो 4, 2, 6, 6, 5, 11, 11, 9 कितने होंगे आपके? 20। और बट्टे में क्या है? 5। अब 5 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो इसका माध्य आएगा आपके 4, यानी बे ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 4 है आपके कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। इसमें आपको ये बता रखा है कि युग्म है उनका कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, इसके लिए हम कौन सी स्थिति यहाँ पर एडजस्ट करेंगे? तो स्थिति होगी आपके a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और नॉट इक्वल c1 बटे c2। यानी ये तो दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर b1 का मान कितना है? यानी ये है आपके जो अक्ष वाला है वो a1 है, और ये आपके ये हो गया आपके A2, और ये आपके B1 है, और ये आपके B2 है, और ये आपके C1 है, ये आपके C2 है। तो हमें A1 का मान लेना है। तो A1 का मान कितना है? 3, और A2 का मान कितना है हमारे पास? 2k-1। और B1 का मान कितना है? B1 का मान है 1, और B2 का मान कितना है आपके? 1। और बराबर C1 का मान कितना है आपके? C1 का मान है 1, और C2 का मान कितना है? 2k+1। ये है आपके हैं, तो ये होगा आपके 3। अब देखिए 3 को 1 से गुणा किया 3, और 1 को 2k+1 से करेंगे तो 2k-1 ये हो जाएगा। अब 2k बराबर ये माइनस का है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 3+1। अब 2k बराबर कितना होगा? 4। तो k बराबर 4/2, यानी k बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसमें 2 आंसर आ रहा है आपके, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस प्रकार से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है कि यदि an=9-5n एक समांतर श्रेणी AP है जिसका n वा पद आपको दे रखा है, और आपको सार्व अंतर ज्ञात करना है, यानी कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? देखिए हमें दे रखा है an का मान दे रखा है 9-5n। ओके, अब an है आपके प्राकृत संख्या है, जैसे हमें पहला पद ज्ञात करना है तो 1 रखेंगे, और 9-5 × n की जगह 1। अब देखिए a1=9-5 को 1 से गुणा किया 5, तो ये आया है आपके a1=4। ओके, अब हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, जैसे a, और उसके बाद में जहां पर n है इसकी जगह हम 2 रखेंगे, बराबर में 9-5, और n की जगह हमने रख लिया है 2। अब देखिए a2=9-5 को 2 से गुणा करेंगे 10। अब a2 बराबर आया है आपके -1। ओके, यानी पहला पद आपके 4 है, दूसरा पद है -1। अब इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमारे पास d आ जाएगा, यानी a2-a1। a2 का मान है -1 और -a1 का मान है 4, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों -5, यानी इसका आंसर -5 आएगा। तो -5 आपके कौन से ऑप्शन में है वो आपको देखना है। तो सह ऑप्शन है वो आपका इसमें सही होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 6 है आपके कि दो समरूप त्रिभुज है जिसमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात हमें बताना है, और हमें भुजाओं का अनुपात दे रखा है 2:3। अब देखिए भुजाओं के अनुपात से हमें क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, तो 2 का वर्ग क्या होगा आपके? इन दोनों का वर्ग करना है आपको, यानी स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, यानी द ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि मूल बिंदु है उसके निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपके 0-0 होते हैं, तो इसमें ब ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में देखिए 8वां क्वेश्चन है 2 tan² 45 डिग्री, यानी 2 और 10
2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये वाला क्वेश्चन हमें हल करना है। तो देखिए 2 × tan 45 का मान 1 इसका होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है आपके √3/2 इसका होल स्क्वायर और माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ये प्लस में है ये माइनस में कैंसिल। आप देखिए 2 को और 1 का होल स्क्वायर 1, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, तो इसका सही आंसर होगा आपके 2 होगा, यानी बे ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 9 है, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुणा लंबी हो तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ये मान लो एक के आपके पास वृक्ष है और ये वृक्ष की क्या है ऊंचाई। अब इस वृक्ष की ऊंचाई है वो छाया से कितनी है √3 गुणा लंबी है, तो वृक्ष की ऊंचाई हम अक्ष मान लेते हैं, तो इसकी जो छाया की लंबाई है वो कितनी हो जाती है √3 गुणा हो जाएगी इससे, यानी √3 अक्ष हो जाएगी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। ये वाला कोण हमने क्या मान लिया है, थीटा मान लिया है। अब ए बी सी और अब इन दोनों में रिलेशन देखेंगे ए बी और बी सी में, तो ए बी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा BC और बराबर होता है प्यारे बच्चों आपके टेन थीटा, जैसा आप जानते हैं लंब बटा आधार बराबर टेन होता है। अब AB का मान है आपके पास अक्ष और BC का मान है √3 अक्ष और बराबर में टेन थीटा। अब देखिए अक्ष से अक्ष कैंसिल, तो ये बच गया आपके पास 1/√3 बराबर में टेन थीटा। अब टेन कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो टेन 30 डिग्री, इसकी जगह हम लिख सकते हैं टेन 30 बराबर में टेन थीटा। टेन से टेन कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का एंगल है वो बनेगा, तो थीटा की वैल्यू है वो 30 डिग्री आएगी, यानी द ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 10 है आपके, बटन 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4 इसका आपको बहुलक बताना है, मोड बताना है। तो ऐसा नंबर कौन सा है जो बार बार आ रहा है, जो सबसे ज्यादा बार है, तो ब ऑप्शन यानी 4 आपका बहुलक होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 11। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 में आपको क्या दिया है, वर्त के बाहर स्थित बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त है जो सर्कल है उस पर कितनी टेंजेंट हम खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा आपके 2। ओके, यानी सही ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है कि एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी हाइट है 11 सेमी और उसका CSA दे रखा है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 968 वर्ग सेमी, हमें बेलन की क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे, तो देखिए हमें बेलन की ऊंचाई दे रखी है और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है। अब बेलन का जो CSA वो क्या होता है 2πRH होता है और बराबर में है आपके 968। अब देखिए 2 × π की वैल्यू 22/7 गुणा में R हमें निकालना है, H हमारे पास है 11 और बराबर में 968। अब देखिए 2 को इससे काट दो इस वाले को, तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा आपके और यहाँ पर 4 आएगा, यानी 484 बार कटेगा ये। ओके, अब 22 का भाग 484 में पूरा जाएगा आपके, तो ये होगा 2 बार और उसके बाद में ये 2 बार, यानी 22 बार कटेगा। अब देखिए यहाँ पर बच गया है हमारे पास R × 11/7 बराबर में 22, इसके बट्टे में 1 लेके इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके R × 11/22 × 7। अब R बराबर ये हो जाएगा 22 × 7/11, यानी 11 का भाग 22 में 2 बार, तो R बराबर आ जाएगा आपके 14 सेंटीमीटर। ओके, यानी उस वर्त की त्रिज्या उस बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी आएगी 14 सेंटीमीटर, यानी द ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में है आपके प्रश्न संख्या 13 है कि वर्त की वह जीवा जिसकी लंबाई है वो त्रिज्या से दोगुनी हो, तो त्रिज्या से दोगुनी हो तो क्या कहलाती है मेरे बच्चों, व्यास कहलाती है, यानी सही ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग है वो कितना होता है, 1 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 15 है कि एम के किस मान के लिए 10 m और -2 समांतर श्रेणी में होंगे। मान लो ये आपके पहला पद है a1, ये आपके दूसरा पद है a2, ये आपके तीसरा पद है a3। अब इनको हम लिखेंगे तो देखिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं a2 - a1 बराबर a3 - a2,
A2 का मान कितना है m और माइनस A1 का मान है आपके 10 बराबर में A3 का मान है आपके -2 और यहां पर माइनस A2 का मान कितना है m। अब देखिए m माइनस 10 ये हो जाएगा प्लस का और ये भी आपके प्लस का। अब m में m ऐड करेंगे तो 2m हो जाएगा और माइनस का 10 प्लस का 2 ये माइनस का 8 हो जाएगा तो 2m बराबर 8 है आपके तो m बराबर कितना हो जाएगा 4 यानी m की वैल्यू 4 आएगी मेरे बच्चों आपके ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 1 है आपके जो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट इन योर आंसर शीट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13 का कौन सा पद है वो 78 है यानी कौन सा पद इसका 78 होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो देखिए समांतर श्रेणी दे रखी है हमें 3 देख पहला पद है वो कितना दे रखा है 3 और इनका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा दोनों के पदों के बीच का जो अंतर है वो कितना है 5 और अंतिम पद कितना है आपके 78। हमें क्या निकालना है एन निकालना है तो इसको करेंगे पहले बच्चों हम ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी बराबर एन और ए का मान है 3 प्लस एन का मान निकालना है और डी का मान कितना है 5 और एन है आपके 78। आप देखिए 3 प्लस 5 को n से गुणा करेंगे 5n माइनस 5 बराबर में 78। अब इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा आपके माइनस का 2 प्लस का 5n बराबर में 78। अब 5n बराबर 78 प्लस 2 तो 5n बराबर प्यारे बच्चों आपके 80 और n बराबर 80 बटे 5 यानी 5 का भाग हमें किस में देना है 80 में देना है। ओके तो देखिए 80 में 5 का भाग आप दे सकते हैं 5 × 5 और यहाँ पर 3 यहाँ पर 0 5 × 30 ओके यानी 16 बार भाग जाएगा तो 16वां पद होगा कौन सा पद होगा आपके 16वां पद तो इसमें आपको 16 लिखना है। उसके बाद में है सेकंड आपके sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान यानी sec 30 का मान आपको बताना है तो cos 30 का मान क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। cos 30 का मान होता है आपके √3/2 तो ये हो जाएगा आपके 2/√3² 2/√3² क्या होता है 4/3 ये आपको ध्यान रखना है ओके यानी 4/3। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 3 है आपके कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 486 वर्ग सेमी हमें घन का आयतन बताना है। तो देखिए घन का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो क्या होता है 6 × side² होता है यानी 6 × भुजा² और बराबर में कितना दे रखा है 486। अब देखिए भुजा हमें निकालनी है तो भुजा का होल स्क्वायर बराबर 486/6 इसको डिवाइड करो भुजा स्क्वायर बराबर आएगा ये आपके 8 और ये 1 यानी 81 तो भुजा का मान आएगा आपके 9 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है आयतन निकालना है तो देखिए 9 की गुणा 3 बार लिखेंगे 9 की गुणा 3 बार लिखेंगे 9 को 9 से गुणा करेंगे ये आएगा आपके 81 को 9 से गुणा करेंगे 9 और 9×8 72 यानी 729 होगा कितना होगा मेरे बच्चों 729 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 4 यानी बटन 1, 3, 2, 5, 9 इसका हमें माध्यक बताना है। तो देखिए सबसे पहले इनको छोटे क्रम में लिखेंगे 1 के बाद में 2 के बाद में 3 के बाद में 5 के बाद में 9। अब देखिए मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया था ये वाला नंबर इससे काट दो ये वाला इससे काट दो बीच में एक नंबर बचता है आपके 3 तो इसका माध्यक कितना होगा आपके 3 होगा। उसके बाद में अगला सवाल है आपके बटन 2, 12, x, 7, 4 व 6 का माध्य कितना दे रखा है 8 दे रखा है हमें अक्ष का मान बताना है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है सबसे पहले देखिए इसमें जो नंबर दे रखे हैं हमें परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या तो इन सभी नंबर को हमें ऐड करना है ओके यानी 6 और 4 कितने होंगे 10 10 और 7 कितने होंगे आपके 17 और 17 और 12 कितने होंगे आपके 17 में आपको क्या जोड़ना है 12 जोड़ना है तो ये होंगे आपके प्यारे बच्चों 29 और 29 और 2 कितने होंगे आपके 31 और इसमें अक्ष भी हमें ऐड करना है तो 31 प्लस अक्ष। अब संख्या कितनी है टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बराबर में माध्य कितना दे रखा है हमें 8।
अब इसके बट्टे में एक लेके इनको क्या करेंगे, वज्र गुणा। अब 31 प्लस अक्ष बराबर 8 को 6 से गुणा करेंगे 48। अब अक्ष बराबर 48 माइनस 31, तो अक्ष बराबर आएगा 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, 4 में से 3 माइनस करेंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 यानी 17। तो इसमें आपको इस रिक्त स्थान में आपको 17 फिल करना है। उसके बाद में देखिए 6 नंबर पर जो रिक्त स्थान आपको दिया है वो आप देख सकते हैं, इसमें एक फॉर्मूला लिखना है आपको, छठे में फॉर्मूला लिखना है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण है अंशों में थीटा, संगत चाप की लंबाई आपको बतानी है। तो संगत चाप की लंबाई होती है आपके 2πr थीटा बट्टे 360 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में सातवा है कि संभव घटना की प्रायिकता, तो संभव घटना निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न संख्या 3 है आपके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको ज्ञात करना है कि दो पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम 12 और 336 है, यदि एक पूर्णांक 48 है तो दूसरा पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। और सेकंड क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 2x² - x - 6 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी इसमें शून्यकों का जो योग है अल्फा प्लस बीटा है वो आपको फाइंड करना है। और तीसरा क्वेश्चन है आपके रैखिक समीकरण 3x + 4y = 0 और 2x - y = 0 का आपको सॉल्यूशन निकालना है, हल आपको ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 4 है यदि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी, एडी बराबर 1.5 सेमी है और बीडी बराबर 3 सेमी है और एई बराबर 1 सेमी है, तो आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, इसे आपको ज्ञात करना है। और उसके बाद में पांचवा प्रश्न है बिंदु 3 और -2 की वाई एक्स से दूरी ज्ञात करनी है, तो 3 और -2 है इसकी आपको वाई एक्स से दूरी ज्ञात करनी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, एक ठोस अर्ध गोले की त्रिज्या 7 सेमी है, इस ठोस अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में आपको ज्ञात करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो आप बता सकते हैं कॉमेंट करके, उसका आंसर आपको जल्द से जल्द आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 7 है कि एक शंकु की त्रिज्या और आयतन है वो क्रमशः 7 सेमी और 1078 वर्ग सेमी, हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है यानी हाइट ऑफ कोन हमें फाइंड करना है। और प्रश्न संख्या 8 है कि एक वृत्त के लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों का अंतर ज्ञात कीजिए, जिसकी त्रिज्या है 7 सेमी और केंद्र पर अंतरित कोण है 120 डिग्री। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है कि 7√3 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया 21 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण है वो हमें ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 10 है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के शिखर तक पहुंचती है, यदि है यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई है वो ज्ञात कीजिए। उसके बाद में है प्यारे बच्चों खंड ब है आपके सेक्शन बी है, और सेक्शन बी में लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना है, ओके, अति लघु उत्तरात्मक से थोड़ा बड़ा लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है। तो इसमें देखिए प्रश्न संख्या 4 है कि संख्या 84 और 144 का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। और पांचवा प्रश्न है आपके द्विघात बहुपद 2x² + 3x - 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि समीकरण x - 3y = 7 और 3x - 3y = 5 को हल कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है आपके कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तो ये भी आपको फाइंड करना है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8 है यदि ए जिसके निर्देशांक है 4, 5 रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु है और Q के निर्देशांक है 5, 6
तो हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और प्रश्न संख्या 9 है, यदि 4 कोट A बराबर 3 हो तो sec A प्लस tan A का मान है वो प्रकलित कीजिए। और प्रश्न संख्या 10 है कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण है 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। और प्रश्न संख्या 11 है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 13 सेमी है तो PQ की लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी है। और प्रश्न संख्या 12 है कि एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 1155 सेमी स्क्वायर, तो वृत्त की त्रिज्या है वो हमें ज्ञात करनी है। और प्रश्न संख्या 13 है, खिलौना 7 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित समान त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है, यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 31 सेमी है तो खिलौने का संपूर्ण प्रस्थीय क्षेत्रफल है वो हमें फाइंड करना है। और प्रश्न संख्या 14 है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यानी इसका माध्य आपको ज्ञात करना है। तो ये टेबल है आपकी वर्गंतराल बारंबारता, इसका माध्य आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 15 है, आपके 1 से 100 के बीच की संख्याओं में यादृच्छिक संख्या चुनी गई है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह संख्या पहले में आपके 8 से भाज्य है, दूसरे में 8 से भाज्य नहीं है, उसके बाद में खंड सह है, आपके सेक्शन सी है, और सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपके 3 नंबर का आएगा। तो इसमें प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, इसमें आपको मोड ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो ये टेबल आप देख सकते हैं, वर्गंतराल है बारंबारता, वर्गंतराल 1 से 4 है, 4 से 7 है, 7 से 10 है, 10 से 13 है, 13 से 16 है, 16 से 19 है, और बारंबारता है फ्रीक्वेंसी है आपके 6 30 40 16 4 4 ओके। इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। और अथवा हमें प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्य कल्पित माध्य मानकर ज्ञात कीजिए, इसमें आपको एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य ज्ञात करना है, जिसमें वर्गंतराल दिया है, बारंबारता दी गई है। वर्गंतराल है 0 से 10 से 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50, बारंबारता है 2 5 8 4 1 ओके। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 17वां क्वेश्चन है आपके, यदि संख्या ए 7 20 23 सी एक समांतर श्रेणी में है तो ए बी और सी के मान ज्ञात कीजिए, और अथवा में प्रश्न है उस एपी के प्रथम 26 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद और नौवा पद क्रम से 26 और 42 है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है आपके, आपको देखिए 4 बिंदु दे रखे हैं, पहला बिंदु है के जिसके निर्देशांक है 6 1 और एल के निर्देशांक है 8 2, एम के निर्देशांक 9 4 और एन के निर्देशांक एक्स वाई, इसी क्रम में एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो आपको बिंदु एन जिसके निर्देशांक एक्स वाई है इसका मान हमें फाइंड करना है। और अथवा में प्रश्न है कि बिंदुओं ए -3 4 और B 4 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक है वो हमें ज्ञात करने हैं। प्रश्न संख्या 19 है कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हैं वो आपस में बराबर होती हैं। और अथवा में प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर सम द्विभाजित होती है, तो ये भी आपको ज्ञात करना है। और उसके बाद में सेक्शन डी है आपके, खंड द है जिसमें निम्नात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपके 4 नंबर का आएगा। तो इसमें प्रश्न संख्या 20 है आपके कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का एक स्कूल की कक्षा 10th के विद्यार्थियों के अंग्रेजी में प्राप्त अंकों को दर्शाती है, इसका माध्य के अंक हमें ज्ञात करना है। तो इसमें लंबाई दे रखी है, इसमें आपको पतियों की संख्या दे रखी है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में अथवा में प्रश्न है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्य 50 है, हमें अक्ष और वाई का मान ज्ञात करना है, तो इसमें वर्गंतराल दे रखा है, इसमें बारंबारता, इसका जो माध्य है वो हमें 50 दे रखा है, हमें अक्ष और वाई का मान ज्ञात करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 है आपके, द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x + p = 0 के मूल वास्तविक है वह बराबर है, तो P का मान ज्ञात कीजिए और श्रीधराचार्य विधि द्वारा समीकरण के मूल भी ज्ञात कीजिए। और अथवा में प्रश्न दे रखा है हमें कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, दोनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। और प्रश्न संख्या 22 है, सिद्ध कीजिए यानी प्रूफ करना है आपको
टू कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए बट्टा साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए बराबर में कोट और अथवा में दे रखा है सिद्ध कीजिए यानी अनरूट वन प्लस साइन ए बट्टा वन माइनस साइन ए बराबर सेके प्लस टेन ए। बच्चों अगर आपने ये पूरा पेपर एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो 27 मार्च मैथ्स के पेपर में आप पूरे 80 मार्क्स हैं वो ला सकते हैं फोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।